है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो अपने चैनल पे पहला एक बाइक रिव्यू होने वाला है। काफ़ी अच्छी बाइक है, तो मैं पर्सनली इसका टेस्ट ड्राइव लेना चाहता था, तो मैंने सोचा ताकि एक आपको एक बता दूं, क्योंकि बाइक रिलीज़ हुए बस थोड़े ही दिन पहले, लाइक 1.5 मंथ पहले, 1 महीना 1.5 महीना हुआ है। बाकी ये बाइक के स्पेसिफिकेशन तो हम बात करेंगे ही, फिर बाइक की हम टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, फिर मैं बताऊंगा फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ड्राइविंग कैसा रहेगा फुल्ली डिटेल में, फिर मैं सजेस्ट करूंगा ताकि आपको इस प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस प्राइस का मैं ये भी कोटेशन आपको दूंगा कि इतने में मिल रही है, कैसे मिल रही है। बाकी का बाइक की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल इसकी जो लुक आ रही है, जो पूरा देखने में जो फर्स्ट इंप्रेशन बोलते हो, तो कभी कभी आपको थोड़ी थोड़ी सी ना एक इम्पल्स, हीरो इम्पल्स की आपको याद दिला देगी, क्योंकि थोड़ा सा वो वैसा दिखता है, बट हालांकि इम्पल्स जैसे नहीं दिखती, बट थोड़ा सा वैसा दिखता है। बाकी का ये गाड़ी आती है सुजुकी की वी स्ट्रॉम, जो अभी मेरे सामने खड़ी है। ये है 250 सीसी वाली, जो है 250 सीसी वाली। इसके साथ और एक वेरिएंट भी हमें मिलता है, जो है 650 सीसी XT वेरिएंट जो आता है, तो उसमें 650 सीसी का इंजन लगा होता है। इसमें लगा है सिर्फ 249 सीसी का इंजन, और इसके साथ हमें 26 PS का मैक्सिमम पावर मिलता है, फिर 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो 7300 RPM पे होती है। मैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको दिखा दूंगा इधर स्क्रीन पे, देख लेना। बाकी का पीछे एक डिस्क लगा हुआ है, फिर एक मोनोक्रोम सस्पेंशन है, तो राइडिंग एंड हैंडलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है मोनोक्रोम सस्पेंशन, मतलब मोनो शॉक ऑब्जर्वर्स जो बोलते हैं मोनोक्रोम नहीं। फिर हमें मिल जाती है इधर एक सुजुकी की बैजिंग, तो सीट आप देख सकते हो, थोड़े दो सीट्स हैं, तो थोड़े से कुशनिंग ना थोड़े से हार्ड और सॉफ्ट दोनों मिक्स टाइप के हुए हैं। इतने ज़्यादा आपको सॉफ्ट भी नहीं मिलेंगे, इतने ज़्यादा हार्ड भी नहीं। फिर ये रही शाइनिंग से बैजिंग, फिर ये है 250 जो इंजन के स्पेसिफिकेशंस का लोगो, देन सामने भी आपको डिस्क मिलते हैं जो सिंगल डिस्क है, फिर हमें एक फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, फिर वी स्ट्रॉम SX की बैचिंग, फिर हमारे पास आता है सामने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो, इसका खुद का ऐप होता है वो भी कनेक्ट कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा बहुत नेविगेशन का इन्फॉर्मेशन और कुछ फ़ोन अगर आए तो इन्फॉर्मेशन दिखा देगी। इतना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में है नहीं, तो पीछे हम बढ़ते हैं। पीछे इतना स्टाइलिश लुक जो होता है गाड़ी में, तो काफ़ी अमेजिंग से लुक है गाड़ी में। तो अभी हम चलते हैं इसका टेस्ट ड्राइव लेने, फिर मैं दिखाता हूँ रोड ग्रिप कैसा है, एवरीथिंग अबाउट इंजन पावर एंड स्पेसिफिकेशन कैसा होगा चलाने में। तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए, तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बने रहना वीडियो में। वेल, अभी हम बाइक लेके शोरूम से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश हो गई थी इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया हमने टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि हम खड़ा देंगे, बट वीडियोज हम ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। फिर अभी हम गाड़ी को थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं, तो ये शोरूम वाले भैया ही गाड़ी को बाहर निकाल रहे हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। तो है गाइस, ये है अपना छोटा सा रिव्यू, ये सुजुकी वी स्ट्रॉम जो नई वाली गाड़ी आई है। हालांकि इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक तो 650 XT और एक ये 250X जो हम चला रहे हैं। 250 है ये सिर्फ, इसमें एक्स वेरिएंट नहीं आता, 650 में हालांकि एक वेरिएंट आता है। जो 650 है उसका प्राइस जाता है समवेयर अराउंड 11.5 लाख से 12.5 लाख तक, तो वो काफ़ी प्रीमियम में आ जाती है। फिर ये 250 जो है जो हम चला रहे हैं, वो भी हमें मिलती है 3.25 लाख तक, यानी कि 2,75,000 के करीब आप बोल सकते हो। अभी जिस जगह पे मैं हूँ वो है होस्कोटे बैंगलोर के पास, जो यहाँ का रेंज है वो है 2,75,000, बट जब आप बैंगलोर या उसके बाहर के स्टेज में जब भी आप देख सकते हो तो एक बार देख लेना, क्योंकि स्टेज स्टेट के इंश्योरेंस के वगैरह से या स्टेज के इसके वजह से तो आपको प्राइस थोड़ा सा वेरिएशन दिखता है, जो GST टैक्सेशन की वजह से। अब बाकी अगर गाड़ी की मैं बात बताऊँ, लुक तो काफ़ी थोड़ी सी सिमिलर लगती है जो इम्पल्स आ रही थी हीरो की उस तरह से। फिर अगर पावर की बात करूँ तो गाइस लिटरली और ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो पावर उतना खास आपको फील नहीं फील होगा, क्योंकि आप जब चलाओगे हिमालयन वो तो काफ़ी छोड़ो, क्योंकि 400 उसका ये SP CC चला जाता है, तो हालांकि पावर भी इसमें ठीक ठाक है, बट जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 250 CC में उतना तो नहीं है। अभी देखो मैं 48 पे जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसमें मैं रेव करके आपको दिखाता हूँ, आप मीटर पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। अभी हम 30 पे हैं, जाके गाड़ी थोड़ा सा रुक जाती है, यानी कि पावर लैग आपको ज़रूर फील होगा इसमें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था एक्चुअल में,
सुजुकी 250 सीसी और थोड़ी केपेबल थी उठाने के लिए, पर पता नहीं सुजुकी उन्होंने क्यों इसमें डीमोड कर दिया है या इसका पावर थोड़ा सा डिक्रीज किया है। बट बाकी अगर ड्राइविंग कंफर्ट की बात करूँ तो कंफर्ट तो है गाइस, चलाने में मतलब हैंडलिंग में तो कंफर्ट है और आवाज़ भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टॉक कलर से मैं कितना भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट ठीक है, तो अभी यहाँ तक रिव्यू हम खत्म करते हैं, थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप देख लो, बाकी का कुछ भी हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दूँगा।